कितने साल हो गए पकड़ी थी तुम? या वो 45 साल। इस पे ना लगा देना, गिर जाएगा। बिक YouTube चैनल बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, मूली का अचार, हम दो यार। सो गाइस, आज हम जाने वाले लाइट बार की पकौड़ी का वीडियो क्लिप करने। खा तो हम बचपन से ही रहे हैं, खाने की तो कोई बात ही नहीं है, कभी भी खा लेते हैं। सो आज हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए लाइट बार की मशहूर पकौड़ियाँ कैसी हैं, कैसे बनती हैं, क्या क्या पड़ता है। और ये लाइन बार और मुरादाबाद के सिवा कहीं मिलती भी नहीं है। वैसे मुरादाबाद में भी लाइन बार में ही मिलती है, बाकी पूरे मुरादाबाद में कहीं नहीं मिलेगी। आप लोग कहीं और जाएंगे तो प्याज की, गोभी की, पालक की सिर्फ 3 पकौड़ियां खाएंगे, या फिर वो ब्रेड पकौड़ा, वो तो राजा हो गया। खैर, आलू की पकौड़ी आपको मुरादाबाद में ही मिलेगी। तो गाइस, फाइनली मैं और लवी दोनों लोग पहुंच चुके पंचशील के पकौड़ी वालों के पास, जो कि कैल्टन के पास में। जैसा कि हमने आपको बताया था, आज हम इस ब्लॉग में आपको इन्हीं पकौड़ी के बारे में दिखाएंगे और बताएंगे इस जायके के बारे में। तो दोस्तों, देख पा रहे होंगे ये है वो लाला की शॉप। ये अपने लाला यहाँ पर कई सालों से यहाँ पकौड़ी की सेवाएं दे रहे हैं। और इस तरीके से देखिए भैया, ये बनती है, ये देखो, तो ये रिफाइंड वगैरह यूज करते हैं। जो भट्टी में बनता है इनके यहाँ सब, ऐसा नहीं कुछ गैस पे बना रहे हो, मेन चीज़ है कि भट्टी का। आप जानते हैं भट्टी अपना पहले लोग यूज़ करते थे और बहुत कम जगह यूज़ हो रही है आज की डेट में ये, लेकिन लाला हमारे ऐसे जो आज भी भट्टी पे ये सब काम करते हैं अपने। तो भैया देख पा रहे होंगे ये है वो पकौड़ियाँ। तो आइए दोस्तों, लाला जैसे जानते हैं, यही वो लाला जी हैं जो लाइन पर वासी को बहुत सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो लाला जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? ये लाला करके तो कर देंगे, लेकिन फिर एक व्यूअर को पता होना चाहिए जो मैं भी नहीं जानता बचपन से, कम से कम मुझे तो पता हो। नाम कोई नहीं जानता, तो लाला करके नाम इनका लाला जी है, लाला के नाम से फेमस है। तो लाला, आपको यहाँ कितने साल हो गए पकड़ी देते हुए? 45 साल। 45 साल हो। सबसे पहले आपकी दुकान यही थी, आगे पीछे थी? यही थी, यही थी, इसी जगह पे थी। तो ये आपको आगे थी, फिर पीछे को चल गई। अच्छा, पहले आगे थी, थोड़ा पीछे को चल गई। पीछे को चल गई है, अच्छा ये बात। तो लाला, सबसे पहले आपने यही काम स्टार्ट किया था, पहले कुछ और भी करते थे? यही करते थे। तो लाला, ये जो आपका नगर निगम का, मैं एक बार देखता था, पहले प्लेट लगी हुई थी, आपको दिख नहीं रही है मुझे, तो ये प्लेट है हुई लगी हुई, नगर निगम से रजिस्टर्ड है पूरा आपका, एक होगा जो भी है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखा आपने, जैसे कि लाला जी ने बताया 45 साल हो गए इनकी शॉप को, पहले थोड़ा आगे थी, अब थोड़ा पीछे की तरफ हो गई है, और नगर निगम से रजिस्टर्ड इनका ये एक अपना शॉप है, खोखा है जो भी है, बहुत अच्छा कैसा लोग सेवा दे रहे हैं। आओ थोड़ा दिखाते हैं आगे की मेकिंग कैसे करते हैं। देखो ये है वो भट्टी, यहाँ इनकी चाय बनती है, इस भट्टी पे लाला चाय बनाया करते हैं अपनी। ये है वो लाला भैया, यहाँ चाय की पूरी व्यवस्था होती है, अपने चाय पकौड़ी लीजिए और बरसात के मौसम में आइए, इंजॉय कीजिए। ये वो भैया है, चाय सब करते हैं भैया। देखो भाई, सब अपना अपना लोग इंतजार करते हुए पकौड़े लेने के, इस तरीके से यहाँ कुछ लाइन लगानी पड़ती है, क्या करें, लाला की दीवान की रहती है ये, अपना जो स्वाद लोगों को दिए हुए समय लोग मजबूर है लाइन में लग के लेने को भी, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो भैया देखो, कुछ भी गैस पर नहीं बनता, यही वो लकड़ियाँ हैं जो भट्टी में जाती हैं, इन्हीं लकड़ियों पर लाला बनाया करते हैं पकौड़ी और आप लोगों को स्वाद दे रहे हैं। तो भैया, अगर आपको यहाँ लाइन पार की पकौड़ियाँ खानी है तो आपको यहाँ कैल्टन पे आना होगा, कैल्टन जो कि कपूर कंपनी से थोड़ा ही 400-500 मीटर की दूरी पे है, कैल्टन स्कूल है, कैल्टन जूनियर हाई स्कूल है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सामने उधर जो बस खड़ी है, उसी स्कूल की बस खड़ी हुई है वहीं है, और ठीक उसके बराबर में, जस्ट बराबर में लाला की इधर अपनी शॉप है जो भी अपना फोका, आप यहाँ आइए, यहाँ की पकौड़ियों का लुत्फ उठाइए। और भैया गंज गुरट्टी कटघर वालों, एक बार लाइन पर आओ तो सही, यहाँ की पकौड़ी खाओ तो सही, क्या रखा है फास्ट फूड में, अभी पकौड़ी का भी तो आनंद लो। तो भैया फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और ये लवी पकौड़ियाँ निकाल चुकी है और भुक्कड़ के मुंह में जाता हुआ, फिर कहती भैया वो पतली कैसे होंगी। तो हाँ भाई, कैसे लगी ये क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ी? बहुत बढ़िया, जैसा है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी, ठंडा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पूछा था, मेरी बात हुई थी
तो उनका कहना ये था, मैंने पूछा कि आप अपना सेटअप भी और अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा क्यों नहीं कर रहे अपना सेटअप ये इस तरीके से। तो उन्होंने ये जवाब दिया, उनका मतलब ये था कि हमारी जो शॉप है एक मिडिल क्लास व्यक्ति को देखते हुए हमने स्टार्ट की हुई है, और आज भी हम उसी तरीके से इसको रन कर रहे हैं। आगे कोई भी मिडिल क्लास आदमी हो, उसको एक बार भी अपनी पॉकेट के लिए सोचना ना पड़े। अगर 10 रुपए हैं उसकी जेब में, 20 रुपए हैं, तो वो आराम से आ सकता है हमारी दुकान पे, आके अपनी पकौड़ी का लुत्फ उठा सके। कोई भी आइए, सस्ते दामों 10 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए की, जितनी उसकी पॉकेट अलाउ करे उतना वो अपना पकौड़िया ले सकता है, और अपना ब्रेकफास्ट या नाश्ता जो भी अपना कर सकता है चाय के साथ लेके। तो इसको देखते हुए लाला ये अपनी शॉप रन कर रहे हैं। आज भी इन्होंने अपनी शॉप वैसी की वैसी रखी जैसी पहले थी, और कोई ज्यादा मेंटेनेंस, ज्यादा हाईवाई नहीं किया हुआ है इन्होंने, बिल्कुल एक एवरेज शॉप है इनकी। निसंकोच होकर कोई भी जाइए, पकौड़ियों का आनंद लीजिए।